डियर फ्रेंड्स, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे लास्ट प्रॉब्लम जो हमारी रह गई थी कल से लेडर से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे अब करते हैं, करने की कोशिश करते हैं इसको। लेडर और फलसिफ हम फिर से एक बार देख लेते हैं एग्जैक्टली जो इसका कंस्ट्रक्ट है और सिंटैक्स किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे एक इफ और लास्ट में एक एल्स हम लगाते हैं और मल्टीपल एलसीएफ उसके बीच में हम फिर लगा सकते हैं। तो ये रिलेटेड एक तरीके से जब हमारा लॉजिक रिलेटेड होता है तब हम एग्जैक्टली यहाँ पे लगाते हैं, और एल्स पार्ट में हम एरर हैंडलिंग कर सकते हैं या फिर जो हमारा लेफ्ट आउट जितना भी लॉजिक है वो हम वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट भी हम डील कर सकते हैं इसके डिफरेंट कंडीशंस के साथ, और सिंगल स्टेटमेंट भी हम डील कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम हमारी थी कि वी हैव टू कैलकुलेट पेबल अमाउंट बाय ए कस्टमर इफ डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड स्लैब वाइज। तो अगर हम स्लैब वाइज डिस्काउंट किसी पर्टिकुलर परचेज के ऊपर दे रहे हैं तो जो कस्टमर है उसको एग्जैक्टली कितना हमें कैलकुलेट करके बताना है कि डिस्काउंट मिल गया एंड आफ्टर डिस्काउंट हाउ मच ही हैज टू पे। तो लॉजिक है कि परचेज अगर 50,000 के इक्वल या उसके ऊपर हुआ है तो 12% डिस्काउंट दे देंगे, और 20 से 50 के बीच में हुआ तो 10% डिस्काउंट दे देंगे, 10 से 20 के बीच में हुआ तो 8% डिस्काउंट दे देंगे, और अगर बिलो 10,000 हुआ है तो फिर 5% ही डिस्काउंट देंगे। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन है, एक कंडीशन लगाइए प्रोवाइडेड आफ्टर कटिंग फ्लैट जीएसटी ऑफ 15%, कि जितना भी उसने खर्चा किया है उसके ऊपर पहले हम 15% की जीएसटी काट लेंगे और जो लेफ्ट आउट अमाउंट होगा उसके ऊपर ये जो डिस्काउंट है उसको हम कैलकुलेट एग्जैक्टली यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे एल्गोरिदम पहले हमें सबसे पहले बनानी होगी कि कैसे एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। पहले मैंने आप लोगों को बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक एक तरीके से, कि सबसे पहले हम उसको एल्गोरिदम में कन्वर्ट करते हैं और फिर यहाँ पे एक स्यूडो कोड यहाँ पे लिखा जाता है। स्यूडो कोड इज एल्गोरिदम इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो ये हमने जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे, यानी क्योंकि 15% हमें माइनस करना है उसके अंदर से। तो पेबल अमाउंट के लिए हमने अगर वेरिएबल यहाँ पे पीए लिया है तो पीए का 15% कैलकुलेट हमने कर लिया, और फिर हम पेबल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट यहाँ पे उसमें से जीएसटी माइनस करके कैलकुलेट कर लेंगे, और ये पीडी जो आया इसी के ऊपर हम एग्जैक्टली लॉजिक अपना लगाएंगे। तो अगर पीडी 50,000 और 50,000 के इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम डिस्काउंट दे देंगे 12% का, और नेट पेमेंट कैलकुलेट कर लेंगे पेबल अमाउंट में से डिस्काउंट को माइनस करके। अदरवाइज फिर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो 20 और 50 के बीच में हो तो एलसीएफ लगा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि एलसीएफ की लेडर हम बना रहे हैं। पीडी इज लेस देन 50,000 एंड PD is greater than equals to 20,000, तो डिस्काउंट देंगे 10% का और नेट पेमेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे माइनस करके। ऐसे ही फिर हम कंडीशन जो है ले लेंगे कि अगर PD 10 और 20 के बीच में हो तो डिस्काउंट दे देंगे 8 का और नेट पेमेंट कैलकुलेट करेंगे फिर से, और लास्ट में जो लेफ्ट आउट हमारी कंडीशन है वो बिलो 10,000 रह जाएगी तो वहाँ पे हम 5% का डिस्काउंट यहाँ पे दे देंगे। तो इस तरह से एग्जैक्टली हम अपना कैलकुलेशन यहाँ पे करते जाएंगे, और अब करके देखते हैं इस प्रॉब्लम को कि कैसे हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को यहाँ पे हैंडल हम कर सकते हैं। तो हम डॉस बॉक्स में प्रोग्रामिंग करके देख रहे हैं यहाँ पे, अभी तक की जितनी प्रोग्रामिंग है हमने डॉस बॉक्स के अंदर अपनी की है सारी प्रोग्रामिंग, और सबसे पहले एक न्यू यहाँ पे हम एडिटर खोल लेंगे और उसके बाद में यहाँ पे कंसेप्ट को पहले लिख लेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन पेबल अमाउंट इन डिफरेंट स्लैब, डिफरेंट स्लैब्स में डाल के इनको हम कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब लिंक ब्लॉक अपना लगा लेंगे,
root stdio.h and hash root conio.h. आप लोग घर पे करके देख रहे होंगे इन सब प्रोग्राम्स को, आपका थोड़ा लॉजिक डेवलप हो जाएगा एंड इट विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग। और सबसे पहले यहाँ पे लोकल डिक्लेरेशन कर लेते हैं। इसमें जो मेन हमें वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वेरिएबल्स यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे। तो मेन मेन जो वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो हमें अमाउंट चाहिए कि कितना हम पे कर रहे हैं, उसको हम इनपुट कराएंगे। इसके बाद हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्काउंट, और एक हम यहाँ पे जो हमारी जीएसटी है, जीएसटी भी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो जीएसटी का कैलकुलेशन भी हमें करना होगा। और इसके अलावा हम यहाँ पे एक पीडी कैलकुलेट करेंगे, जिसमें से हम जीएसटी हमने पे की है उसको माइनस कर लेंगे और एक नेट अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे जो कि एग्जैक्टली हमें चाहिए। और एक रेट भी हम यहाँ पे रखेंगे कि एग्जैक्टली रेट ऑफ डिस्काउंट हम कितना वहाँ पे दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इनपुट कराएंगे। हमारी एल्गोरिथम हमेशा वही रहेगी, चाहे लॉजिक हमारा कितना ही बढ़ता चला जाए, सबसे पहले हम इनपुट कराते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, यानी कि पूरा लॉजिक वहाँ पे लगा देंगे और बाद में हम आउटपुट उसको कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमें एंटर कराना है, एंटर पेबल अमाउंट, जितना हमारा अमाउंट आ रहा है टोटल, वो आप पेबल अमाउंट आप आ रहा है वो आप एंटर कराएं। तो यहाँ पे स्कैन एफ फंक्शन लगा देंगे उसके लिए, जिससे कि हमें वो डेटा कीवर्ड से एक्सेस कर सके हम उसको, और हमें अपने वेरिएबल में को ले जा सके। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ लगेगा, क्योंकि फ्लोट टाइप जितने भी वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिए हैं, और एम्परसेंट पीए के अंदर हम कैलकुलेशन ये करा देंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमें जीएसटी कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे इक्वल्स टू पीए पे 15% हमने कहा था कि 15% हम उसमें से माइनस कर लेंगे। तो इनटू 15/100, 15% का मतलब ये है 100 में से 15, यानी कि 15/100। लेकिन इसको हम एक पैरेंथेसिस में इंक्लूड करेंगे, जिससे ये कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देंगे, तो जीएसटी हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। हम यहाँ पे पीडी कैलकुलेट कर लेंगे, जो पेबल आफ्टर डिस्काउंट है। तो पीए में से अगर जीएसटी जितनी हमारी यहाँ पे कैलकुलेट होती है उसको हम माइनस कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लॉजिक लगाना अपना चालू कर देंगे। इसके अंदर पहली कंडीशन पास कर देंगे। सबसे पहली कंडीशन थी कि हमारा अगर पीडी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000 अगर आ जाता है, तो हम फिर यहाँ पे मल्टीपल वर्क, क्योंकि हमें यहाँ पे करना है, कई काम हमें करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना रेट जो है वो डिफाइन करेंगे कि रेट हमारा जो यहाँ पे होगा वो हमारा रेट 12% है, तो 12 स्टोर कर लेंगे यहाँ पे। और फिर इसी रेट से हम यहाँ पे डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, हमारा पेबल अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट को कैलकुलेट, यानी कि पीए इंटू जो भी हमारा रेट है, यानी कि 12% 12/100 तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेमी कॉलन यहाँ पे लगा देंगे। और अब हम जो हमारा नेट है हमारा कितना बचा है, तो वो हम अगर पेबल अमाउंट में से हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो वो हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा मल्टीपल यहाँ पे जो डिसीजन है वो हो जाएगा, नेट अमाउंट हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसी को लॉजिक को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी को हम कॉपी कर लेंगे और इसको हम एडिट में जाके कॉपी में जाके, और इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। और मल्टीपल कंडीशंस अब यहाँ पे लगेगी। अब अगर 50,000 से नीचे है तो
और 20,000 के ऊपर है, तो एंड एंड से हम उसको जोड़ देंगे और पी डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20,000, 20,000 के ऊपर। और इसको हम मल्टीपल स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे लग गया अभी, तो इसको हम एक पर्टिकुलर पैरेंथेसिस में एक यहाँ पे else और लगाना पड़ेगा, क्योंकि else की else if की लेटर हम यहाँ पे एग्जैक्टली बना रहे हैं, तो else if इसको हम यहाँ पे रखेंगे। अब हमारा जो डिस्काउंट होगा वो 12 नहीं होगा, तो नेक्स्ट हमारा 10 है, तो यहाँ पे हम 10 कर देंगे। बाकी हमारा सेप सिमिलर रहेगा, देखो हमें उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो कोडिंग हमें इसी तरह की करनी चाहिए, जिससे कि हम एग्जैक्टली इसके अंदर अगर चेंज भी करें तो मिनिमम हमें चेंज वहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे हम एक एल्सिफ लगा देंगे, एल्सिफ लगा देंगे, और अब हमारा 20,000 से नीचे की तरफ चला जाएगा, ये बिलो 20,000, एंड एंड जो कंडीशन एंडिंग के द्वारा दूसरी कंडीशन जो है वो पी डी इज लेस देन इक्वल्स टू 10,000 रुपीज, क्योंकि 10,000 और 20,000 के बीच का बीच में हम ले रहे हैं, तो हमें एक साइड इंक्लूसिव रखना पड़ेगा और दूसरी साइड एक्सक्लूसिव रखना पड़ेगा। जब भी हम इस तरह का कोई लेटर रिलेटेड एक्चुअली यहाँ पे ये कंसेप्ट रिलेटेड कंसेप्ट है, तो यहाँ पे हमारा रेट जो है वो अब 8% ही रह जाएगा, इसको 8 कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे। ऐसे ही हमारा एक लास्ट जो हमारा कंसेप्ट है, अब हम यहाँ पे जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है कि अगर वो 10 के नीचे चला जाता है, तो फिर हमें यहाँ पे अब कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, तो अकेले else लगाने से ही काम पे काम हमारा चल जाएगा, क्यों, चूंकि ये एक लेफ्ट आउट कंडीशन है। यहाँ पे बस हम अब यहाँ पे 5% कर देंगे, ये हमारा 8 होना था, तो एक लास्ट हमारा जो रेट होगा वो हमारा सबसे ऊपर 12 है, फिर सॉरी हमारा 12 था, फिर हमारा 10 हुआ, 10 करना था, फिर हमारा 8 हुआ और अब हमारा 5 रह जाएगा। इस तरह से डायरेक्टली हम यहाँ पे कर सकते हैं, और अब हम यहाँ पे अपना जो हमें डायरेक्टली जो हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट तैयार करना है कि आपने क्या क्या यहाँ पे डायरेक्टली बिल आफ्टर डिस्काउंट हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, और इसके अंदर हम थोड़ा सा हेडर अपना बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह की चीजें लगा के, इससे एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट की तरह का कुछ यहाँ पे लुक आ सकता है। न्यू लाइन जरूर लगाएंगे, जिससे कि लाइन जो जो हम लिख रहे हैं वो अपनी अपनी लाइनों में प्रिंट होता चला जाए, वरना वो सब एक लाइन में एग्जैक्टली आ जाएगा। तो योर टोटल पेबल अमाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे, और ये पर्टिकुलरली पीए के अंदर से आया, हमने डेट भी वहां पे लिया हुआ है, तो इसीलिए हमने लिया था जिससे कि हम उसको यहाँ पे हम प्रिंट करा सके। तो योर डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू परसेंट ऑफ, और यहाँ पे हम रेट भी उसका दिखा सकते हैं, और न्यू लाइन जरूर यहाँ पे हम लगाते जाएं,
से ऊपर वाली लाइन में भी हम इसको लगा देंगे और फिर हम उसका एग्जैक्ट जो, ये तो हमने परसेंटेज दिखाई डिस्काउंट की, और हम उसका डिस्काउंट दिखा देंगे और डिस्काउंट इक्वल्स टू परसेंट एफ, और ये हमें डिस्काउंट वेरिएबल में मिलेगा। एंड प्रिंट एफ, और उसके बाद में जो अमाउंट हमें एग्जैक्टली पे कराना है उससे, तो वो हमारे नेट में मिलेगा। तो जो पेमेंट, टोटल पेमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, टोटल पेमेंट आफ्टर डिस्काउंट, टू परसेंट एफ, यहाँ पे हम नेट। इसलिए सारे वेरिएबल्स का जो हमने डेटा यहाँ पे हमने एग्जैक्टली सेव किया है, उन सभी को हम कोशिश करेंगे कि हम प्रिंट कराएं, जिससे कि हमारा एक प्रॉपर स्टेटमेंट यहाँ पे बन जाए। इसको अलाइन करने की कोशिश करेंगे हम, तो इसको थोड़ा सा अलाइन करने के लिए हम आगे लेके जा सकते हैं, तो इस तरह से हम अलाइन करेंगे, तरह से कर देंगे। फिर हमने डिस्काउंट यहाँ पे कैलकुलेट कराया है, तो अलाइन कर देंगे टोटल अमाउंट है हमारा, उसको भी हम आगे लेके जाएंगे, इस तरह से लेके जाएंगे। यहाँ पे हमने इसको हम चाहे तो हम नीचे से भी एक और यहाँ पे लाइन हम यहाँ पे बना सकते हैं एंड ऑफ स्टेटमेंट के लिए, यहाँ पे कुछ इस तरह की लाइन हम यहाँ पे बना दें, और एक न्यू लाइन हमेशा हर एक लाइन में लगानी पड़ेगी हमें। अब हम इसको सबसे पहले हम इसको सेव कर देंगे, सेव, और इसका नाम रख देंगे डिस्काउंट डॉट सी। और अब इसको हम यहाँ पे गेट सी एच और हमें लगाना चाहिए है। अब हम इसको यहाँ पे रन करने की कोशिश करेंगे, पहले सेव करते हैं, फिर रन करेंगे। एरर यहाँ पे है, इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर, यहाँ पे एक्चुअली हमने कॉमा नहीं लगाया, उसकी वजह से समस्या आ रही है। एक कॉमा यहाँ पे लगा देंगे, इसको सेव करेंगे दोबारा से। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, आप नोट करके रखें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली एरर्स यहाँ पे आ सकती है। तो देखो सी एल आर एस सी आर नहीं लगाया, तो जितना हमने जो कुछ था वहाँ पे वो पहले से कुछ वहाँ पे सी लैंग्वेज द्वारा लिखा गया है, तो उसको अगर हमें हटाना है तो हमें सी एल आर एस सी आर जरूर लगाना पड़ेगा। एंटर पेबल अमाउंट, तो अगर हमने सबसे नीचे चालू करते हैं कि सबसे नीचे हमने सिर्फ 500 रुपये का सामान खरीदा है, तो 500 और 8% डिस्काउंट की परसेंटेज जो है वो हमें 8% मिली है उसके ऊपर, और अमाउंट पेबल 40 और 460 है। तो अब इसका थोड़ा देखेंगे लॉजिक हमारा कहाँ पे कुछ गलत हुआ है क्या। तो जो हमारी लेडर है वो एलसीफ की लेडर है, और हमने यहाँ पे पर्टिकुलरली हर एक स्टेज पे जाके उसको तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। एंटर ए पेबल अमाउंट जो हमारा है, मान लिया हमने सबसे कम अमाउंट लिया है, बिलो 10,000, जैसे 2,000 हमने लिया है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमने ये कैलकुलेट एंटर पेबल अमाउंट 2,000। तो यहाँ पे पहले एक सी एल आर एस सी आर हम यहाँ पे लगा लेंगे, जिससे कि
हमें हमेशा लोकल डिक्लेरेशन के बाद ही हमें CLRSCR लगाना होगा, जिससे कि एग्जैक्टली हमें क्लियर स्क्रीन वहाँ पे मिल जाए। इसको हम सेव कर लें और अब हम इसको यहाँ पे सेव करने के बाद रन करके देख, क्लियर स्क्रीन, स्पेलिंग है उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, CLR यहाँ पे एक बार लिखना होगा, CLRSCR, फिर से इसको सेव कर दें। छोटी से छोटी हमारी मिस्टेक जो है वो कंपाइलर पकड़ लेता है। अब हम ऊपर से चालू करेंगे, जैसे हम 65,000 का, तो यहाँ पर एग्जैक्टली 65,000 जब हम परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा जो रेट था, एक बार रन करके देखेंगे इसको, यहाँ पे हम 2000 अगर हम देते हैं तो 2000 जो कि 10 से नीचे है तो 5% हमें वहां पे डिस्काउंट मिलेगा, तो हमें टोटल डिस्काउंट 100 मिला और टोटल पेमेंट हमारा 1900 हो जाता है। अब इसी तरह से दूसरी कंडीशन हम देके देख लेते हैं, अगर हमने एग्जैक्टली 10,000 से ऊपर यानी 15,000 का कोई सामान हमने एग्जैक्टली यहाँ पे खरीदा है, तो देखो यहाँ पे हमें डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो 8% मिल गया और टोटल डिस्काउंट हमारा 1200 का हो जाता है और 13,800 रुपये हमें पे करने होंगे। इसी तरह से हम अगर हम ऊपर के स्लैब में यानी के 20 के ऊपर अराउंड 30 हम परचेज करते हैं 30,000, तो 10% हमें डिस्काउंट मिला। उसी तरह से कैलकुलेशन यहाँ पे हो गई। और इसी तरह से हम अगर हम 55,000 का यहाँ पे लेते हैं तो हमें फिर भी 10% ही मिलेगा, और अगर हमें अपर स्लैब में जाना है तो हमें यहाँ पे अराउंड 65,000 की टोटल परचेजिंग यहाँ पे करनी है। यहाँ पे थोड़ा ओवरफ्लो कभी कभी हो जाता है, तो इसका भी हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि प्रोग्रामिंग करते हुए कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स भी एग्जैक्टली आ सकती है। तो ये लॉजिक एग्जैक्टली आप लगा के देखेंगे और इसको आप करते रहें, सब्सक्राइब करिए और प्रॉब्लम्स को देखें।